बच्चों क्लास 10th में जो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो रहा है आपका 21 तारीख का, उसमें रेलगाड़ी का एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो देखिए रेलगाड़ी का जो क्वेश्चन आता है, अगर आपने ये वीडियो देख ली बड़े ध्यान से, तो इस एक क्वेश्चन से ही आप रेलगाड़ी के सभी क्वेश्चन क्लास 10th के आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर पेपर के अंदर रेलगाड़ी का क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल राइट उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो और वीडियो या और क्वेश्चन आपको देखना नहीं पड़ेगा रेलगाड़ी का। तो देखिए रेलगाड़ी का जो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं बड़े आसानी से, किस प्रकार समझाता हूं देखिए, जो आप बड़े आसानी से कर दोगे बोर्ड के पेपर के अंदर अगर रेलगाड़ी का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, तो देखिए जो जैसे कि रेलगाड़ी का आप क्वेश्चन कर सकते हो। सर्वप्रथम इस रेलगाड़ी के क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करना है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेलगाड़ी की चाल आपको माननी पड़ेगी जो आपको ज्ञात करनी है। तो माना रेलगाड़ी की चाल, सभी रेलगाड़ी के क्वेश्चन में आपको क्या मानना है, चाल माननी है, क्योंकि चाल सभी में क्या करनी पड़ेगी आपको निकालनी पड़ेगी। तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल आप जो मानोगे क्या मानोगे, x किलोमीटर घंटा मानोगे, क्या मानोगे, x किलोमीटर घंटा, क्योंकि चाल जो होती है किलोमीटर घंटा में ही दी है और किलोमीटर घंटा में ही हमें निकालनी है। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल आपने क्या माननी है, सभी क्वेश्चनों में x किलोमीटर घंटा माननी है। अब जब देखिए इसमें क्या कहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में एक घंटा कम समय लेता। रेलगाड़ी की चाल बताइए, जितने भी आपके क्लास 10th में रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है सभी इसी लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन है। तो आप बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को एक को समझ लेना तो आप सभी रेलगाड़ी के क्वेश्चन बड़े आराम से कर दोगे। तो रेलगाड़ी की चाल माननी है x किलोमीटर घंटा, सभी क्वेश्चन के अंदर माननी है। फिर क्या होगा, रेलगाड़ी की चाल या तो अधिक कर रहा होगा या रेलगाड़ी की चाल कम कर रहा होगा। अगर अधिक कर रहा है तो x में प्लस करनी है, और अगर कमी कर रहा है चाल में तो x में माइनस करना है। तो देखिए इसमें वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि के बाद चाल क्या हो जाएगी, वृद्धि के बाद रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर घंटा। तो देखिए वृद्धि के बाद क्या होगी, x प्लस 5 किलोमीटर घंटा होगी। और कुल दूरी इसमें क्या दे रखी है, कुल दूरी इस क्वेश्चन के अंदर बता रखी है, कुल दूरी जो वो तय कर रही है कितनी तय कर रही है इस क्वेश्चन में, 360 किलोमीटर है। तो कुल दूरी 360 किलोमीटर दे रखी है, तो हम क्या लिख देंगे, 360 किलोमीटर। दूरी हमेशा किलोमीटर में ही होती है तो घंटा नहीं लगाना, तो क्या लिखोगे आप, किलोमीटर लिखोगे। और इसमें देखिए तो वह उसी यात्रा में एक घंटा कम समय लेती है, तो समय कितना ले रही है, समय कम लेती, कितना कम लेती है, एक घंटा समय कम लेती है। तो सारा डाटा आपने लिख दिया। अब जब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार करोगे, सर्वप्रथम क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो टोटल दूरी है सभी रेलगाड़ी के क्वेश्चन में आपको पहले देखना है कितनी दूरी रेलगाड़ी तय कर रही है। और जो रेलगाड़ी तय कर रही है, पहले तो कर रही है एक्स किलोमीटर घंटा से, फिर कर रही है एक्स प्लस 5 किलोमीटर घंटा से, एक ही दूरी दो बार तय कर रही है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 360, और यहाँ पर दो बार क्या लिख देना है आपको, 360। क्यों लिखना है, क्योंकि एक ही दूरी को क्या कर रहा है, दो बार तय कर रहा है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या कह रहा है कि एक घंटा कम समय लेती है, कम ले या ज़्यादा ले, जितना भी समय कम ज़्यादा ले रही है वो यहाँ पर रखना है। और टोटल दूरी जितनी भी है, 360 है, 400 है, जो भी टोटल दूरी दे के रखेगा रेलगाड़ी के क्वेश्चन में, वो आप यहाँ पर लिख दोगे अंश में, इधर भी और इधर भी। और हर में क्या लिखना है, पहले के हर में लिखनी है कम वाली चाल। तो देखिए कम वाली चाल कौन सी है, ये वाली है या ये वाली है, तो आपको दिख रहा है कम वाली चाल कौन सी होगी, x किलोमीटर घंटा होगी, x प्लस 5 किलोमीटर घंटा क्या है, ज्यादा वाली चाल है। तो आपको क्या रखना है, सर्वप्रथम कम वाली चाल रखनी है, कम वाली चाल कहाँ पर रखोगे, पहले नंबर पर रखोगे। और सेकंड नंबर पर क्या रखना है, हमेशा आपको सेकंड नंबर पर ज़्यादा वाली चाल रखनी है। तो ज़्यादा आपको दिख ही रहा है कौन सी है, x प्लस 5 है, तो यहाँ आप यहाँ पर क्या लिखोगे, x प्लस 5 लिख दोगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से इसकी क्या बना दी आपने, कंडीशन बना दी, और आप बहुपद बनाओगे और उसको आप क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। तो देखिए बहुपद किस प्रकार बनेगा, x प्लस 5 की किसके साथ गुना होगी, 360 के साथ गुना होगी। तो 360 में x की गुना करोगे क्या हो जाएगा, 360 x हो जाएगा। और चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह आएगा। 360 के आप 5 में गुना करोगे, 36 दुनी 72, 72 दुनी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 36
पंजे कितना हो जाएगा, 36 पंजे हो जाएगा, 5 अंक 30, हासिल लगा 3, 5 या 15 3 18, 180, और ये 360 था तो क्या आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, 1800 लिख देना है माइनस। अब जब 360 के आप एक्स में करोगे क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं ना, तो 360 एक्स हो जाएगा, और बटे में क्या करना है, इनकी आपस में गुणा करनी है, एक्स की एक्स में करोगे एक्स स्क्वायर, और प्लस की एक्स की पाँच में करोगे क्या हो जाएगा, पाँच एक्स बराबर क्या है एक, एक के बटे में कुछ नहीं है तो एक बटे एक लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 360 एक्स माइनस का है और यहाँ पे क्या का है, प्लस का है, तो ये बड़े आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स की। अब जब आप तिरछी गुना करोगे, एक में गुना करोगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स हो जाएगा, और एक के गुना 1800 में करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर 1800 हो जाएगा, और बराबर से इधर 1800 आ गया, क्या का हो जाएगा, ये 1800 ये हो जाएगा माइनस का 1800, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जब देखें यहाँ पे कुछ नहीं है, एक है, तो इसमें बहुपद में क्या मानेंगे, ए बराबर एक, और बी बराबर कितना आ जाएगा, पाँच, और सी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 1800 आ जाएगा। तो इस प्रकार की कंडीशन में आप क्या लगा दोगे, श्री द्रचार्य से आप बड़े आसानी से क्वेश्चन कर दोगे। तो एक्स का जो मान निकालना है श्री द्रचार्य से निकालना है, क्या है श्री द्रचार्य का फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस चार ए सी, और बटे में क्या है, दो ए है। तो देखिए अब जब क्या रखने हैं, इसके मान रखने हैं, बी का मान कितना है, पाँच है, तो माइनस का पाँच प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है, पाँच का वर्ग माइनस चार गुना ए का मान कितना है, एक, और सी का मान कितना है, माइनस के 1800 है, और बटे में क्या है, दो ए, तो ए का मान कितना है, एक है। तो देखिए ये बड़े आसानी से आप सॉल्व कर दोगे, माइनस पाँच का माइनस पाँच हो जाएगा प्लस माइनस, और पाँच का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 18 दून 36, 36 चौक दूनी 72, तो ये हो जाएगा आपका 7200 हो जाएगा, और 7200 में आप 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7225 हो जाएगा, और 7225 किसका वर्ग होता है, 7225 आपका वर्ग होता है, दो दो के जोड़े बनेंगे 88 64, ये हो जाएगा 12 में 4 गया 8, 25 8 8 16 तो 5, तो ये किसका हो जाएगा, 8 और 5 85 का हो जाएगा, 85 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा 7225, बटे में क्या है, 2 है। तो x का मान निकालने के लिए माइनस 5 प्लस का 85 और एक बार माइनस का 5 माइनस का 85 बटे 2, 85 में से 5 घटेंगे कितना आ जाएगा, 80, 80 को आप 2 से काटोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ 85 माइनस का और माइनस का 5 दोनों क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, 2 से 90 काटोगे आप माइनस के कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो माइनस में किसी की चाल नहीं होती है, क्या में होती है, प्लस में, अतः आप आसानी से लिख सकते हैं, अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी आई है, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर घंटा आंसर। तो आपका बड़े आसानी से क्या आ गया है, आंसर आ गया है। सभी रेलगाड़ी के क्वेश्चन आप इसी ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन करिएगा, सभी रेलगाड़ी के क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे। सर्वप्रथम आपको सभी में चाल दे रखी होगी, दूरी भी दे रखी होगी, सब कुछ दे रखा होगा, दूरी जितनी दे रखी है वो भी लिखनी है आपको, चाल हमेशा माननी है आपको, एक्स माननी है, फिर चाल या तो अधिक कर रहा होगा या चाल कम कर रहा होगा, तो वृद्धि के बाद चाल लिख दीजिएगा, अगर कम हो रही होगी तो आप कमी के बाद चाल लिख दीजिएगा, एक्स माइनस पाँच, तो कमी की वाली चाल है तो एक्स माइनस पाँच, अगर पाँच की कम चाल लेता तो एक्स माइनस पाँच होता, तो कम वाली चाल यहाँ पर रखते, एक्स माइनस पाँच वाली यहाँ पर एक्स रखते। तो हमेशा ध्यान रखना है ये कंडीशन जो बनानी है, सभी रेलगाड़ी के क्वेश्चन जितने भी क्लास टेंथ में आपके आधारित क्वेश्चन है, चाहे आप सभी के सभी इसी मेथड पे आप कर दीजिएगा, बड़े आसानी से और बड़े ट्रिक के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हमेशा इधर जो फर्स्ट नंबर पे आप रखोगे हर के अंदर क्या रखने हैं, छोटे वाली चाल रखनी है और बड़े वाली सेकेंड नंबर पर ही रखनी है, सभी रेलगाड़ी के क्वेश्चन इस मेथड से आप कर दोगे। धन्यवाद।